मध्य प्रदेश के इंदौर में कई हॉस्पिटल कोरोना आपदा में भी अवसर तलाश कर रहे हैं और अपनी जेब भरते नजर आ रहे हैं। शहर में जिला प्रशासन, नेतागण, सामाजिक संगठनों द्वारा ऑक्सीजन सहित आवश्यक दवाओं को दूसरे राज्यों से मंगवाकर पूर्ति कर शहर हित में कार्य कर रहे हैं। जब कई टन ऑक्सीजन फ्री में आ रही है तो फिर निजी हॉस्पिटल्स में मरीजों का ऑक्सीजन के नाम पर लाखों का बिल थमाया जाना सवालिया निशान खड़ा करता है। जिला प्रशासन द्वारा पिछले दिनों करीब 3 हॉस्पिटल्स पर कालाबाजारी करते हुए एवं कई मेडिकल स्टोर्स पर लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जब शासन प्रशासन सहित नेतागण मिलकर शहर में मरीजों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अन्य राज्यों से ऑक्सीजन के बड़े बड़े टैंकर बुलाए जा रहे हैं, तो यहाँ तक कि ऑक्सीजन शहर के जल्द उपलब्ध हो सके इन खाली टैंकरों को सेना के वायुयान से एयरलिफ्ट भी कराया जा रहा है और आवश्यक दवाइयों की पूर्ति को लेकर लगातार निजी दवा कंपनियों से बातचीत की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी शहर के कई कोविड-19 में मरीज सहित होकर अपने घर को जा रहे हैं, लेकिन घर जाते वक्त उन्हें जो बिल दिया जा रहा है वह लाखों रुपए का पाया जा रहा है और इसी के कारण कई हॉस्पिटल्स में पिछले दिनों विवाद की स्थिति भी सामने आई थी। जब ऑक्सीजन की बड़ी खेप मुफ्त में आ रही है तो फिर शहर के निजी हॉस्पिटल मरीज के बिल में ऑक्सीजन के नाम पर हजारों रुपए का चार्ज क्यों वसूल रहे हैं। इस पूरे मामले में शहर के सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि यदि कोई हॉस्पिटल इस तरह से मनमानी करता है तो उसके लिए शहर के SDM व CSP स्तर पर टीम गठित की गई है, किंतु अभी महामारी के दौर में किसी भी हॉस्पिटल पर कार्रवाई कर उसे बंद करना उचित नहीं होगा, लेकिन तब भी यदि कोई शिकायत करता है तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। के अंदर ऑक्सीजन जो है वो अभी भी शहर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो अधिकतर जगहों से फ्री आ रही है, मगर हॉस्पिटल प्रशासन लोगों से मनमाने रेट ले रहा है। कैलाश जी लाए वो फ्री में लाए, दूसरी जगहों से आ रही वो फ्री में आ रही, तो इसका हॉस्पिटल प्रशासन क्यों पैसा मांग रहा है? देखिए, इसलिए पिछले दिनों भी बात हुई थी, हमने कहा था कि ऐसी कोई शिकायत आएगी तो हम निश्चित तौर पे कार्रवाई करेंगे और 3 हॉस्पिटलों में हमने कार्रवाई उस समय की भी थी। चूँकि अभी हॉस्पिटल को बंद करना ये न्यायोचित नहीं है, पर इतना ज़रूर है अगर कहीं से शिकायत आएगी तो हमारे हमने एक कमेटी बनाई है संबंधित SDM और CSP, उस हॉस्पिटल में अगर कहाँ भी शिकायत आएगी तो जांच जरूर करेंगे। आप किसी भी मरीज का बिल देख लें, उस बिल के अंदर ऑक्सीजन के पर डे 3,000 रुपये लिए जा रहे हैं, क्या उस बिल के अंदर ही पुष्टि नहीं की जा रही है कि वो ऑक्सीजन? देखिए, मैंने कहा कि अगर कहीं की शिकायत हो तो जरूर करें, हम बिल्कुल जाँच करेंगे और हमें पूर्व में जो शिकायत मिली थी हमने 3 के खिलाफ कार्रवाई की है, जेल भेजा है और भी अगर हमें जानकारी मिलेगी तो करेंगे बिल्कुल। शंकर जी, दूसरा प्रश्न है, अगर सिर्फ हॉस्पिटल प्रबंधक को दे रहे हैं, मार्केट्स में कहीं उपलब्ध नहीं, लेकिन बावजूद इसके अस्पताल मरीजों को बाजार से लाने के लिए बाकायदा उनको पर्चा भी लिखकर रेमडेसिविर दी जा रही है, तो जब जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो व्यक्ति कैसे खरीदे? ये अभी हमें 2 दिन पहले हॉस्पिटल वालों से बात हुई थी, उनकी मीटिंग बुलाई थी और हमने ये कहा था कि इस प्रकार लिख के नहीं दिया जाए और मुझे लगता है कि अब आज से या कल से अभी लिख के नहीं देंगे। ये बात सही है कि जितने लोग एडमिट हो रहे हैं वो सब चाहते हैं कि इंजेक्शन लगे, पर जो उपलब्धता है इंजेक्शन की उस अनुपात में सभी हॉस्पिटल को पहुंचाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में स्थिति और बेहतर होगी। लेकिन सर, रेमडेसिविर की अभी भी शहर भर में कमी देखने में, इतने प्रयासों के बावजूद तो ये कहीं ना कहीं मरीजों के लिए भी एक संकट की स्थिति। देखिए, ये प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनी करती है, एक समय ऐसा था कि कोई ले नहीं रहा था, कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ, उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दिया, पर जैसे ही डिमांड बढ़ी तो पूरे शहर में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में बढ़ी, सब जगह से डिमांड आ रही, तो उनका प्रोडक्शन लिमिटेड था, रॉ मटेरियल की उपलब्धता थी, पर उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया और लगातार हमारे प्रयास चल रहे हैं उनसे संपर्क के, अधिक से अधिक इंजेक्शन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी भी फेबिफ्लो, टोसी की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों की और ऑक्सीमीटर्स की अब शहर में अभी भी किल्लत होने लगी, तो उसको लेकर अब क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, लगातार हम संपर्क में, कल भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ VC हुई थी, उसमें भी हमने ये मुद्दे उठाए थे और उन्होंने केंद्र सरकार से भी बात की थी, संसाधनों की कमी आने नहीं दी जाएगी। तो वहीं बात की जाए रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित आवश्यक दवाओं की, तो कई हॉस्पिटल के डॉक्टर मरीजों को चिट्ठी पर लिखकर दवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन शहर के मेडिकल मिल पाया है और रास्ते लगे हुए थे, इलाज की व्यवस्था तो सिर्फ अपने उससे कर पा रहे हैं, बाकी बहुत हालत खराब है अस्पतालों की, तो हालत सब जगह गंभीर है,
पर ये कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आए हैं, अगर व्यवस्था ऐसी हो कि अपने को एक घंटे या दो घंटे में सिलेंडर मिल जाए, पर यहाँ क्या पूरा रात किसी किसी को दो दो दिन लग रहा है, तो बड़ी समस्या आ रही है। अब एक सिलेंडर कैसे हो पाएगा? मेरा शाही खान, ये दवाइयाँ लुप्त हो चुकी हैं। इन दवाओं की महामारी इस कदर है कि मरीज के परिजन इन चिट्ठियों को लेकर इधर से उधर भटकने को मजबूर हैं। इस पूरे मामले में सांसद लालवानी का कहना है कि 2 से 3 दिन में डॉक्टर चिट्ठियाँ लिखना बंद कर देंगे, हॉस्पिटल मरीजों के आधार पर दवाएं उपलब्ध कराना शुरू कर दी जाएगी और इन आवश्यक दवाओं की पूर्ति के लिए दवा कंपनियों से बात की जा रही है कि अधिक से अधिक इसकी पूर्ति कराई जा सके। इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को हॉस्पिटल से चर्चा कर निश्चित दर निर्धारित करने की आवश्यकता है। वॉइस ऑफ रेड्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।